यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर टू में उन्होंने बोला है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है ना, या नहीं भी हो सकता है। देखिए कैसे, इसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है a और b, यानी कि आपको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लाना है, ठीक है। आपको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, आपका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जो इस कर्व को, इस कर्व के फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सही है। तो यहाँ से हमने निकाला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, ए को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसा करने से थोड़ा सा फायदा है, फायदा क्या है कि अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो यहाँ आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने से देखो ए और बी तो कांस्टेंट है, तो ए बी स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ना। तो मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर तो वाई स्क्वायर का करेंगे, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर पहले ए बी स्क्वायर का करेंगे और माइनस लगाए लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, सही है। तो देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू वाई, और साथ में वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो ये एक बार डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया। अब देखो ए बी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ आ जाएगा जीरो। अब मैं जीरो लिख नहीं रहा हूँ, जीरो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब समझिए जरा, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, आगे जीरो था ना, जीरो माइनस, तो माइनस ही आएगा यार, एक कॉन्स्टेंट है, ए को आगे ले आए, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स आता है, और टू एक्स इंटू ए को आप क्या लिख सकते हो, टू ए एक्स लिख सकते हो। तो इसको मैं पूरा लिखता हूँ टू ए एक्स, और माइनस तो आगे लगा हुआ है, सही है। अब डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड भी आप कर सकते हो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लो। तो ये टू से टू मैंने यहीं कैंसिल कर दिया, तो आपका वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया माइनस ए एक्स, ये आ गया, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, पता है क्यों, यदि हम एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दें, इधर भी हम एक्स से डिवाइड कर दें, आर एच एस में भी और एल एच एस में भी, इससे क्या फ़ायदा है, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए अकेला हो जाएगा उधर, ठीक है। और यहाँ वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, अगर हम आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए भी गायब हो जाएगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। आइए देखते हैं कैसे, देखिए वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचा हुआ है आपके पास, माइनस ए बचा हुआ है। नाउ अब आप लिखोगे क्या, यहाँ लिखेंगे, यहीं लिख देता हूँ, चलो डिफरेंशिएटिंग आप लिखो यार, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, लिखो डिफरेंशिएटिंग विद अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करने आ रहे हैं एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगेगा लेफ्ट में भी और राइट में भी, और राइट में तो आपके पास क्या है, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, इसका जीरो हो जाएगा, वो तो बात की बात है। आइए देखते हैं यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए वाई अपॉन एक्स ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोडक्ट रूल सभी बच्चों को याद होगा, जब भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन ये लिख दिया ना मैंने ऐसे, फर्स्ट फंक्शन वाई अपॉन एक्स है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन मतलब सेकेंड फंक्शन कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, फिर से सुनो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ए का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, सही है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स इतना आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसको मैं अभी रब करता हूँ, थोड़ी मुझे जगह अच्छी होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, y अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने कई बार किया एग्जाम्पल में भी, ये हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू, अब देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स यहाँ लगेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन टू लग जाएगा, कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन टू लग जाएगा। देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का है, तो इसका हम कैसे करते थे, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू
डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है x है, अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, सही है। अब ये हो जाएगा y अपॉन x इन टू डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए स्टूडेंट ऐसा एग्जाम्पल मैं एक बार हैंडल कर चुका हूँ आपके साथ अगर आपको याद हो, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ x ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको आप 1 इन टू y करोगे, y इन टू 1 करोगे तो y आएगा, लिखोगे नहीं, ऐसा मैंने अभी एग्जाम्पल में कराया था आपको। ये चलाएगा अंदर, इसको अंदर भेज दो, है ना, तो अंदर जब इसको भेजोगे ध्यान से चेक करो, x इन टू देखो डी वाई बाई डी एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जगह x इन टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और देखिए प्लस माइनस माइनस y इन टू डी वाई बाई डी एक्स, y इन टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या है x स्क्वायर है और राइट हैंड साइड क्या है जीरो है। और इसको थोड़ा सा आगे जो लिखा है इसको ठीक से लिख लीजिए, कैसे, ये प्लस और y अपॉन x इन टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा देखो ये रहा फर्स्ट टर्म और ये पूरा हो गया आपका क्या सेकेंड टर्म। अब इनके नीचे x स्क्वायर, इनके नीचे x है, तो इसका एलसीएम हमने पहले ही बात करी आपसे, x स्क्वायर आता है, याद होगा बच्चों को जो पहले के सवाल हमने किए हैं एग्जाम्पल के, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाई किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स से, क्यों, क्योंकि एलसीएम एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड लगाओगे एक्स आएगा, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, एक्स इन टू वाई और साथ में आ गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे लिखना ऐसे लिख दो कोई बात नहीं, तो एक्स वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि एलसीएम एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वन आएगा, इस पूरे को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा, यानी कि एक्स इन टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इन टू डी वाई बाय डी एक्स, सही, इज इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर को हटाना है, क्रॉस करा दो उधर चला गया, या बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आई थिंक, इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और आइए जरा हम इसका आंसर करते हैं, तो इसका फाइनल आंसर यदि हम करें तो इसका फाइनल आंसर बस इतना बचा हुआ, तो एक्स वाई इन टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इन टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज आर फाइनल आंसर। बट अगर आप देखें एनसीईआरटी में तो शायद ऐसा आंसर भी दिया हो, तो परेशान मत होइए, कैसा, ऐसा देखिए एक्स इन टू वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग वाई डबल डैश से लिखते थे, तो यहाँ हम वाई डबल डैश लिख सकते हैं प्लस x इन टू, अब ध्यान से चेक करो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है अंदर, समझो यार इस बात को समझो, डी वाई बाय डी एक्स अंदर है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, समझो जरा, डी वाई बाई डी एक्स को तो आप y डैश से लिखोगे, सही है, और ऊपर जो स्क्वायर लिखा है उसको आप ब्रैकेट लगा के ऐसे स्क्वायर लगाओगे, डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने y डैश मारा और ब्रैकेट में आपने रखा इसको और ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह y डैश इज इक्वल्स टू जीरो। आपको एनसीईआरटी में ऐसे भी आंसर मिल सकता है, पीछे आप चेक कर लीजिएगा, एक्स वाई इन टू वाई डबल डैश प्लस एक्स इन टू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस y इंटू वाई इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ डबल डैश तो नहीं आना चाहिए आई थिंक, लेट मी चेक इट, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ठीक है, y इंटू वाई डैश ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट्स।